हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचाल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल खमन या ढोकला। तो चना दाल खमन बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिएगा 1 कप चने की दाल। और चने की दाल को सबसे पहले हम 4 से 5 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। और ये देखिए, दाल को मैंने वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल को हमें भिगाना है। और थोड़ा सा स्पेस रखेंगे बाउल में ताकि दाल अच्छे से भीग पाए। और इसे कवर कर लेंगे और 4 घंटे के लिए फ्रेंड्स हम इसे भीगने देंगे। तो ये देखिए, 4 घंटे हो गए हैं, दाल हमारी बहुत अच्छे से भीग गई है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। और ये जो भीगी हुई चने की दाल है, इसे एक ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। और इसे फ्रेंड्स अभी हमें दरदरा पीस लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते रहेंगे और एक मिक्सचर अच्छा तैयार कर लेंगे। तो इसे फ्रेंड्स बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा थोड़ा मोटा मोटा हमें पीस लेना है। तो 1/2 कप के करीब पानी लगेगा इसे पीसने में। तो एकदम से स्मूथ पेस्ट आप मत बनाइए, दरदरा आप इसे पीस लीजिए। और ये देखिए, चने की दाल हमारी बहुत अच्छे से पीस गई है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी है दाल की। और इसे अभी हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें घोल तैयार करना है खमन के लिए। और इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, काफी टाइट ये जो घोल है वो लग रहा है हमारा। और इसे मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। और अब हम इसे कवर कर लेंगे और 4 से 5 घंटा हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम ले लेंगे थोड़ा अदरक। ये देखिए, 4 छोटे टुकड़े अदरक के लिए है मैंने। और 5 से 6 हम हरी मिर्ची ले लेंगे। तीखी वाली आप हरी मिर्ची लेंगे तो ये खमन बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम पानी भी गर्म रख लेंगे। तो ये मैंने इडली वाला कुकर ले लिया है, इसमें 3 ग्लास के करीब हम पानी डाल देंगे, पानी को गर्म होने देंगे। कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम पानी को गर्म होने देंगे। तब तक हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं खमन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 घंटे हो गए हैं इसे। और इसमें अब हम थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे फटाफट। तो ये देखिए, जो हरी मिर्ची मैंने ली थी उसे मैंने क्रश कर लिया है, उसको ऐड कर लेंगे। साथ ही अदरक भी हम ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो आप फ्रेंड्स इसमें अगर तीखा पसंद करते हैं तो अच्छे से हरी मिर्ची और अदरक डालिए। और 1/4 चम्मच से भी कम हम इसमें हल्दी डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक। तो आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कीजिए। इसमें अगर नमक कम होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से टेस्ट कर लें, नमक, हरी मिर्ची, अदरक आप अच्छे से ऐड करें इसमें। और इसमें फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस। तो 1 नींबू का मैंने जूस लिया है इसमें, क्योंकि ये जितना खट्टा और तीखा होगा वैसे अच्छा लगेगा। और साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून इनू फ्रूट सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप फ्रेंड्स अगर चाहें तो 1 टेबल स्पून जितना खट्टा दही भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद है। अच्छे से मिला लेंगे और तुरंत ही फ्रेंड्स हम इसे थाली में डाल देंगे। ये देखिए, मैंने प्लेट को भी ग्रीस करके रखा है ढोकले के लिए। और ये जो मिक्सचर है वो हम इसमें फटाफट डाल देंगे इसे। और अच्छे से इसे थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, टैप कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, पानी भी हमारा गर्म हो गया है। और सबसे पहले ये जाली वाली प्लेट हम लगा लेंगे इसमें।
और इसके बाद ये ढोकले वाली प्लेट इसमें सेट कर लेंगे, कवर कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स हमें इसे 12 से 15 मिनट स्टीम करना है। तो ये देखिए ढोकला हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। गैस बंद कर लेंगे और 2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो आप मनचाहे आकार में शेप में इसे कट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स खमण को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा और इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची पहले फ्राई कर लेते हैं। तो 8 से 10 हरी मिर्चियाँ पहले फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। हल्का सा फ्राई करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर लेंगे मिर्ची में। और ये तेल हमारा गर्म ही है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई दाना, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तिल, और 1/4 चम्मच हींग। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा करी लीव्स ऐड कर सकते हैं। और ये गरम गरम जो तेल है वो फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे ये तड़का। इसमें फ्रेंड्स हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि आप इसमें जितने अच्छे मसाले या धनिया वगैरह डालेंगे तभी ये खमण है वो टेस्टी लगेगा। और अच्छे से हरा धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि अंदर तक मसाले तेल वगैरह इक्वली जाएं, तभी ये खमण हमारा स्वादिष्ट लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स चना दाल का खमण हमारा बन के तैयार है। और ये देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से फूल गया है और बहुत अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। इस चना दाल खमण को फ्रेंड्स आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर रेड चिली टोमेटो सॉस के साथ भी इसे ले सकते हैं। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।